पे डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, एल के अडवाणी मौजूद थे और बाकी जो क्रीम थी वो मौजूद थी। तो अर्नब गोस्वामी जो उनके बहुत बड़े एंकर हैं भारतीय मीडिया के, उन्होंने यही सवाल उठाया कि शिवसेना क्या सदर प्रणब मुखर्जी से ज़्यादा मुहिब वतन है, एल के अडवाणी से ज़्यादा मुहिब वतन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज़्यादा मुहिब वतन है कि जिन्होंने उनकी तकरीब में शिरकत की और राष्ट्रपति भवन में बुलाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या शिवसेना के मुकाबले में कम मुहिब वतन है कि जिसने खुर्शीद महमूद कसूरी को वीज़ा जारी किया। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए पुश बैक करने में सिविल सोसाइटी को आसानी रही। अच्छा, अर्नब गोस्वामी के शो की आपने बात की तो पहले एक दफा सुन लें, बड़ा ही दिलचस्प उन्होंने शो किया और जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को के रख दिया आज तो बड़ी लोग बात हैरान है, बड़ी बात है। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्लिप। यू वांट टू डिसओन इट, देन डू सो ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। इफ यू वांट टू अटैक अ पर्सन बाय स्टेल्थ, ब्लैकन द पर्सन्स फेस, hope you will get away, issue a line of deniability and say we don't know who these people were, then you have today the victim of your attack asking you on national television to disown it, which you have by the way done so consistently for the last 40 minutes. The Shiv Sena has never been so thoroughly and totally exposed as it is being live on the News Hour tonight. Disown it. Let me clarify. No, disown it. Yeah. Disown it. He's asking you to. Yeah, yeah, yeah. Whatever disown he has put, whatever allegations he whatever has put. Yeah, all he's not allegation. No, he's saying it's a Shiv Sena. No, from his points, it cannot be. तो लिया तो क्या पाकिस्तान में हम किसी ऐसी सख्त की तंजीम को बिठा करके हम ये बात कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यार, अर्नब गोस्वामी का हमने इस शो पर भी काफी मजाक उड़ाया था जब वो दाऊद इब्राहिम वाली फोन कॉल वाले चक्कर में। लेकिन यार एक चीज होती है कि बंदा हाथ धो के पीछे पड़ जाए, ये तो पूरा गंगा में नहा कर पीछे पड़ जाता है, इसकी दुश्मनी बहुत खतरनाक है। दूसरी बात है कि क्रेडिट देता हूँ कि हमारे यहाँ भी शिवसेना टाइप मिलती जुलती बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कलरदन तंजीमें हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अगर उनके कोई नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हों, चाहे हम तीन हों और वो एक हों, यार हम इसका 10% नहीं कर सकते। सी बात है।